आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की 17 की रात को 18 तारीख की प्रातः कालीन बेला में स्वर्गवास हुआ, ये अपन सबको ज्ञात है। उन्होंने बुद्धिपूर्वक संलेखना ग्रहण की, लेकिन उसके कुछ रहस्य हैं जो कि इस प्रकृति में छुपे हुए हैं। उन्हीं बात को लेकर के मैं आप सबके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। पूरे भारत देश में 25 तारीख को एक आयोजन किया गया है और सभी लोग आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संबंध में अपने अपने श्रद्धांजलि व्यक्त करने जा रहे हैं, पर आज मैं कुछ ऐसे रहस्य उद्घाटित करना चाहता हूँ जो शायद किसी को पता नहीं होंगे। गुरुदेव आज मेरे स्वप्न में आए और स्वप्न में वास्तव में आए और उनकी मैं शुद्धि करा रहा हूँ, और उस समय जो बात हुई और जो भी मैंने लोगों से सुनी वह बात मैं आपके सामने करता हूँ। लेकिन कुछ रहस्य ही रह गए। उनका जीवन पूरा रहस्यमय रहा और उनकी संलेखना भी बड़े रहस्यमय हुई है। आपको ज्ञात हो कि आचार्य श्री की संलेखना के पूर्व में जो अस्वस्थता आई थी उसमें कुछ डॉक्टर लोग हैं जिन्होंने इलाज किया। सबसे पहले मैं बताऊं डॉक्टर अनिल सिंह सागर के, जिन्होंने इलाज किया। इसके अलावा पूर्ण आयु के डॉक्टर स्वप्निल जैन जो प्रिंसिपल हैं, और डॉक्टर गौरव जैन जो भी पूर्ण आयु में हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुहास जैन जो कि बम्बई के हैं, डॉक्टर मिथिलेश जैन जो कि नागपुर के हैं, और डॉक्टर अनुज जो ग्वालियर के हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर आए आचार्य श्री के पास और सबने इलाज किया, और अंत में आपको मालूम हो कि आचार्य श्री ने संलेखना क्यों ली और कैसे ली, ये रहस्य मैं आज उद्घाटित करना चाहता हूँ। एक भैया ब्रह्मचारी जी हैं और एक डॉक्टर वैद्य आए थे जिनका मैं नाम उजागर नहीं करूँगा, पर उन्होंने आचार्य श्री को बताया, आचार्य श्री आपको पूरे शरीर में पीलिया हो गया है और पीलिया मस्तिष्क तक पहुँच चुका है। आपकी छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में जो पित्त निकलना चाहिए वो निकलना बंद हो गया है, इसलिए अब आपकी आयु ज्यादा नहीं है। ऐसा सुनकर के आचार्य श्री के मन में आया विचार, और ये बात कब की है ये भी आपको शायद पता हो या ना पता हो, पर ये 11 जनवरी के आसपास के आचार्य श्री के जब इलाज करा उसके बाद में ये 10 फरवरी को ये बात सामने उन्होंने वैद्यराज जी ने रख दी थी, और उसके बाद आचार्य श्री ने अपनी पूर्णतः संलेखना की तैयारी चालू कर दी थी। इसलिए आपको ज्ञात हो कि ऐसे जो आचार्य श्री को जब ये पता चला कि अब मेरी स्थिति ठीक नहीं है, यद्यपि वो जान रहे थे अंतर्यामी अपने आप को स्वयं को जानते हैं समझते हैं, तो ये बहुत सारी बातें आईं। डॉक्टर राजेश जैन भी भोपाल वाले हैं, वो भी पहुंचे और उन्होंने भी आचार्य श्री से बहुत निवेदन किया कि मुझे आपके पेट पर हाथ रख लेने दो। आचार्य श्री ने कहा नहीं, ना मैं ब्लड दूंगा, क्योंकि जब हम स्वयं केस लॉन्च करते हैं और जो ब्लड एक खून का बूंद भी निकल आती तो हम लोग उपवास करते हैं, जितना सारा ब्लड हम क्यों दें, इसलिए ब्लड देने से आचार्य श्री ने मना कर दिया। फिर इसके बाद हुआ ये कि एक ब्रह्मचारी जी हैं जिनका नाम मैं अभी उजागर नहीं करूंगा, लेकिन इतना अवश्य है कि जब ये आचार्य श्री को भान हो गया, ज्ञात हो गया कि अब मेरी स्थिति हमारे बस में नहीं रही और स्थिति बिगड़ने वाली है, इसलिए उन्होंने जब ये जानकारी ली और लोगों ने भी जानकारी लेना चाहिए, तो ब्रह्मचारी ने कहा महाराज श्री आपकी स्थिति को देख करके अब लगता नहीं कि क्या होगा, आगे संघ का संचालन कौन करेगा। तो आचार्य श्री ने उस समय कहा मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं किसी प्रकार की, क्योंकि मैंने कुंडलपुर में सब कुछ कर दिया है, सारे संघों का विभाजन कर दिया, बहुत बड़ा संघ है, इस संघ को एक साधु नहीं संभाल सकता है, इसलिए मैंने गणधर जैसे अलग अलग निर्यापक बना दिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में लगभग 9-10 हमने संघ बना करके निर्यापक बना दिए हैं, मैं इन सब से मुक्त हूं, मुझे कोई विकल्प नहीं। इस बात को लेकर जब निर्यापक बन गए हैं तो मेरा मन ये कहता है कि देखिए
एक तो प्रमुख आचार्य बनना चाहिए जो कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के पट्टाचार्य के रूप में हो, और जो सुनने में आ रहा है समय सागर जी, मुझे बहुत पसंद नाम आया, सब कुछ है और सबकी सहमति भी दिख रही है, लेकिन जो आचार्य श्री की कल्पना रही कि हमने संघ के विभाजन कर दिए, बहुत बड़ा संघ है, गणधर के रूप में अलग अलग कर दिए हैं, तो इन निर्यापक मुनि को या तो निर्यापक आचार्य के रूप में या बालाचार्य के रूप में या कि उनको आचार्य कल्प के रूप में सबको स्वीकार करके और संघ को भी स्वीकार करके ये कार्य आगे बढ़ाना चाहिए तो बड़ा अच्छा होगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत भावना है। कहीं कि वैद्य ने कहा था, वो तारीख 6 फरवरी की थी, और 6 फरवरी को ये बात आई थी कि महाराज आपकी आयु अब बहुत कम शेष बची है। फिर इसके बाद में ये उसके पहले यहाँ एक और प्रसंग आया कि आचार्य श्री जब एक पंच कल्याणक कराने गए थे, उस समय एक उनके लिए अंदर से कुछ मिर्गी जैसा एक झटका जैसा आया, और उस समय उसको मिर्गी का अटैक कहिए, झटका कहिए, गहल भाव कहिए, कुछ भी आप कह सकते हो। फिर उसके बाद में जब वो देखा तो उनको सोडियम की कमी हो गई है, वो सोडियम की कमी से ऐसा उनको महसूस हुआ था, ये डॉक्टर लोगों का कहना था। फिर हुआ ये कि जब वो आचार्य श्री के संबंध में ये महासागर जी महाराज ने कहा, महाराज श्री मैं आपसे चंद्रगिरी लेके आया हूँ पुनः, और आचार्य श्री ने देखा समाधि के पहले हाथ जोड़ा और भगवान के दर्शन भी किए, और जब जयकारा का घोष किया बड़े बाबा का, तो महाराज ने हाथ जोड़ करके पुनः नमन किया। ये संलेखना के कुछ ही समय पहले की बात है, इसका मतलब ये है कि आचार्य श्री पूर्ण स्वस्थ और बहुत अच्छे ढंग से जागृत थे और सावधान भी थे। फिर मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जब आचार्य श्री के सामने जब डॉक्टर से पता चल गया कि वैद्य से कि अब मेरी आयु बहुत कम है, उनको महसूस होने लगा पूरे मस्तिष्क में भी वो पीलिया फैल चुका था, इसलिए आचार्य श्री ने कह दिया 4 दिन पहले जब अंतिम एक अंजलि आहार लिया था, उस समय कह दिया मेरे पास संघ का कोई साधु नहीं आएगा। फिर इसके बाद ये बात आई, मेरे पास कोई साधु नहीं आएगा, कोई शिष्य नहीं आएगा, सिर्फ कोई वैद्य डॉक्टर उपचार की दृष्टि से यदि कोई आते हैं भैया वृत्ति की दृष्टि से, तो उसमें कोई निषेध नहीं है, बाकी मुझे आप किसी से कोई मतलब नहीं है। ये बात वहां पर सामने आई। ये जो पीलिया हुआ था आचार्य श्री को, वो इसलिए हुआ था पीलिया कि आचार्य श्री के जो बड़ी आंत छोटी आंत के बीच में जो पित्ताशय होता है, उसमें जो पित्त निकलता है, उसको पचाने के रसायन जितने भी होते हैं भोजन को, वो निकलना बंद हो गए थे। उसके निकलने से, बंद हो जाने से क्या होता है कि वहां पर वो पूरे शरीर में पीलिया फैला था, और इसलिए क्या हुआ कि डॉक्टर लोग जब खून देना बंद कर दिया तो उन्होंने मात्र यूरिन से टेस्ट किया, इसके अलावा जो स्टूल था उसका टेस्ट करते थे, क्योंकि आचार्य श्री ने ये सब देना बंद कर दिया था। फिर इसके बाद में हुआ ये, आचार्य श्री ने कहा देखो मैंने पंच कल्याणक आदि में सबको बुला लिया है, मैंने सब वहां करे, यहाँ मेला क्यों लगाना, सबको रोक दो, यहाँ किसी को नहीं बुलाना। ये आचार्य श्री के स्वयं के शब्द थे, और इतना कहने के बाद में फिर जब वहां पर ये स्थिति बनी कि आचार्य श्री ने जिस दिन एक अंजलि आहार लिया वापस आए, और आकर के सबसे उन्होंने पीछी उठाई हूँ, और पीछी उठा करके मुनियों के सामने बहुत 5 मिनट तक ऐसी पीछी किए रहे हाथ जोड़ करके, ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य श्री सबसे क्षमा याचना कर रहे हों, ऐसा वहाँ महसूस हुआ था। इसलिए भी लगता है कि आचार्य श्री ने कहा हमने सब निर्वृत्त हैं, हमें कोई विकल्प नहीं, कोई ना आए, मेरा किसी से संबंध नहीं, इसका मतलब यही है कि आचार्य श्री ने सब पद आदि त्याग करके, संघ के प्रति मोह भाव त्याग करके, और एक बात और आई थी कि परगण में जाना चाहिए, तो ये भी प्रसंग किसी व्यक्ति ने रखा था, उसका भी नाम मैं अभी व्यक्त नहीं करूंगा क्योंकि मैं दूर हूं, और जो जो मुझे जानकारी मिली है उस बात को लेकर के मैं कह रहा हूं। तो आचार्य श्री ने कहा जाना चाहिए, लेकिन मैंने संघ का पूरा त्याग कर दिया है, ये बात।
आपको ज्ञात हो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने जो संलेखना ली, संलेखना के पहले ही उन्होंने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी थी और वो कुंडलपुर से उन्होंने संलेखना की तैयारी कर ली थी, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि जो 12 साल की संलेखना ली जाती है, जो जिस ढंग से संलेखना की तैयारी होती है, उस समय ऐसा लगता आचार्य श्री ने, ये मेरा अपना सोच है, उसी समय से उन्होंने तैयारी की है, इसलिए संघ का विभाजन और निर्यापक मुनि बनाए, सारे आरिकाओं को उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, प्रतिभा स्थली को मार्गदर्शन दिया और अपने साथ मात्र 4 साधु रखे। वो इसलिए रखे थे कि यद्यपि 48 साधु के बीच में संलेखना होती है, तो 48 साधु जब नहीं हो तो कम से कम 4 साधु तो होना ही चाहिए, इसलिए आचार्य श्री ने 4 साधु अपने साथ रखे थे। वो संलेखना में संबोधन आदि के लिए जो विधि है संलेखना की, उसका उन्होंने पूरा पालन और निर्वाह किया है, ये सिद्ध होता है। इसलिए उन्होंने 4 साधु अपने साथ रखे, इसका मतलब उन्होंने अपनी संलेखना की पूरी तैयारी कर ली थी और उन्होंने गण पोषण काल किया, फिर इसके बाद निर्वृत्ति काल को पूरा करके आत्म साधना का काल उत्तमार्थ का जो अंत में आता है, उन्होंने उसका पालन पूरा आगम के अनुसार किया है, इसलिए बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता है। दुख जरूर हुआ बहुत ज्यादा अब, लेकिन दुख नहीं होता है क्योंकि आचार्य श्री ने पूरा अपना धर्म का और हम सबको जो रत्नत्रय का पालन कराने का जो उपदेश दिया है, वो हम लोगों के जीवन में है और वो सदा बना रहेगा। बताई थी, इससे यही सिद्ध होता है कि आचार्य श्री ने संलेखना ली थी। और एक बात और आई, जब सब लोग संघों ने कहा और विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने और जो जो डॉक्टर लोग आए, उन्होंने भी कहा महाराज आप संलेखना ले रहे हो क्या, तो आचार्य श्री के शब्द थे, संलेखना बताई नहीं जाती, संलेखना ली जाती है, बताने की चीज नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि देखिए आचार्य श्री को स्वयं अपना अंदर से पता था कि मेरी स्थिति क्या है, सो मैंने जो बात प्रारंभ में कही थी कि आचार्य श्री के सारी क्रिया सारी जिंदगी भर रहस्य में रही और संलेखना भी हम सबके लिए रहस्य बनी रह गई, परंतु आचार्य श्री के मुख से जो मन वचन का ये आचार्य की 3 गुप्ती होती है, वो उन्होंने पूरा अंत समय तक अंतिम क्षणों तक उनका पालन किया है। मैं गुरुदेव को नमन करता हूँ, हे गुरुवर ऐसी संलेखना जो आपने ली है ऐसी हम सबकी भी हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।